नमस्कार, मैं शिवांशी। आज आपको हिंदी वर्णमाला के छठवें अक्षर बड़ा उ से कुछ शब्द बताऊंगी। नमस्कार, मैं सोमदत्त। चलिए शुरू करें। ओम ओम मतलब ओम शिव जी का एक बीज मंत्र है। ओम से ही सृष्टि है। ऊन ऊन माने ऊन का मतलब वो ऊन जिससे हम लोग स्वेटर गूंथते हैं, उसे ऊन कहते हैं। उषा उषा मतलब उषा का मतलब होता है सूरज की किरण। उष्मा माने गर्मी होती है। ऊपर ऊपर माने ऊपर जैसे ऊपर ऊपर माने किसी चीज के ऊपर, जैसे हमारे सर के ऊपर छत है। ऊंचा 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 मतलब ऊपर। उबना उबना माने उबना का मतलब होता है जैसे हम लोग किसी चीज से उब जाते हैं, उसको उबना कहते हैं। ऊसर ऊसर मतलब ऊसर का मतलब होता है बंजर जमीन जिस पे कोई कुछ उग नहीं सकता है, उसे बंजर जमीन।
चलिए इसको एक बार अभ्यास कर लेते हैं। ओम, ओम से ही ये धरती है। ओम का मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर, जैसे हमारे छत के ऊपर छत है, हमारे सर के ऊपर छत है उस। चलिए एक बार अभ्यास करें। ओम, ओम का मतलब, ओम का मतलब है महादेव का मंत्र, बीज मंत्र। ओम मतलब जिसको हम लोग ओम नमः शिवाय करके पढ़ते हैं। ऊपर, हाँ, जैसे हमारे छत के, हमारे सर के ऊपर छत है, उसका मतलब ऊपर होता है। जैसे हमारे छत, सर के ऊपर छत है, उसे ऊपर कहते हैं। ऊन, ऊन से हम लोग स्वेटर बुनते हैं। ऊन जिसे हम लोग ठंडी में पहनते हैं। उबना, जब हम किसी चीज से उब जाते हैं, उसे उबना कहते हैं। उबना जिससे हम लोग उब जाते, उसे उबना कहते हैं। जैसे जिससे हम लोग उब जाते, उसे कहते हैं। किस किस चीज से उब गए हो? अरे अरे, एक तो एक है, टीवी देख देख के उबे? नहीं। किस चीज से उब गए हो? स्कूल जाने से। उषा, उषा का मतलब होता है सूरज की किरणें। उषा मतलब जब सुबह होती है, हम लोग उठते हैं। ऊसर, ऊसर का मतलब बंजर जमीन, जहाँ पे कोई धान नहीं उग सकते या फिर कुछ पेड़ वेड़ नहीं लग सकते। ऊसर माने जहाँ पे पहले से पेड़ पौधा लगा हो, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं लगे, जहाँ कुछ भी पैदा नहीं हो सकता, कोई भी अनाज, जहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा नहीं, अनाज, जहाँ पे कोई भी अनाज नहीं उग सकता। उष्मा, उष्मा का मतलब होता है गर्मी। उष्मा का मतलब होता है गर्मी। उष्मा माने गर्मी, जिससे हम लोग ठंडे। ऊंचा, ऊंचा मतलब ऊपर। ऊंचा माने छत से भी ऊपर। अब चलिए हम इसको रेस करते हैं। अब आप बताइए कि कितने अच्छे, आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको कितने शब्द याद हुए। प्रणाम, मैं शिवांत। नमस्कार, मैं शिवांशी। कल आपको हिंदी वर्णमाला के सातवें अक्षर ऋषि से को शब्द बताऊंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।